हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज में। तो हम आ चुके हैं आज एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं बाष्पोत्सर्जन के IMP MCQ क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख ही चुके होंगे कि हमारे बाष्पोत्सर्जन के MCQ क्वेश्चन का डिस्कस चल रहा था, जो कि हम कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बचे थे, लगभग 25 क्वेश्चन और बचे हैं, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद अगर और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जैसे मेरे पास मुझे मैं देख लूँगा और मेरे पास जितने भी होंगे, मैं आपको और भी अगली वीडियो में प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आज के इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गटेशन सामान्यतः होता है जब पौधे को रखते हैं, ऐसा रखते हैं अधिक सांद्र वायुमंडल में, अधिक आर्द्रता वाली भूमि में, या शुष्क परिस्थितियों में, या फिर रेगिस्तान में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि गटेशन सामान्यतः जब होता है, जब पौधे को अधिक सांद्रता वाली वायुमंडल में रखा जाए तो गटेशन सामान्यतः होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि पर पाए जाने वाले पौधों में गैस का आदान प्रदान स्टोमेटा द्वारा होता है। जलमग्न जलीय पौधों में किस प्रकार होता है, यानी कि जो भूमि में भूमि पर पौधे पाए जाते हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा द्वारा हो जाता है। जो जल में पाए जाते हैं, यानी कि जल के अंदर जलमग्न अवस्था में जो पौधे पाए जाते हैं, उनमें जलीय पौधों में किस प्रकार होता है उनमें गैसों का आदान प्रदान। इसका हमारा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है लेंटिसेल द्वारा, सेकेंड एस्टोमेटा द्वारा, थर्ड हाइड्रोथ्रोट्स द्वारा, या फोर्थ विसरण द्वारा। तो लेंटिसेल द्वारा नहीं होता, एस्टोमेटा तो उनमें होते ही नहीं होंगे, वरना पानी में एस्टोमेटा, जो पानी में पौधे पाए जाते हैं ना, उनकी पत्तियों में एस्टोमेटा नहीं होते हैं। जी हाइड्रोथ्रोट्स द्वारा यह भी नहीं हो सकता। डी हमारा है विसरण, द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन। हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी विसरण। जो जलमग्न अवस्था में पौधे होते हैं उनकी उन पौधों में गैस का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रमुख भूमिका है अतिरिक्त जल की हानि, पौधों में शीतलता रखना, तेजी से रसारोहण, या तेजी से लवणों का परिवहन। यानी कि जब पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रमुख भूमिका वाष्पोत्सर्जन होता है, उसका मुख्य कार्य क्या है, मुख्य प्रमुख क्या है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसका काम होता है तेजी से रसारोहण करवाना, उसकी प्रमुख भूमिका है। हमारा करेक्ट आंसर हो गया सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम वायुदाब के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर धीरे धीरे कम होती है, धीरे धीरे तेजी से कम होती है, या फिर बढ़ेगी, या फिर अप्रभावित रहेगी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि जब कम वायुदाब होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर, वो तो स्वाभाविक है कि कम वायुदाब में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, ना कि धीरे धीरे कम होती है, ना ही तेजी से कम होगी, वो तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी, अप्रभावित नहीं रहेगी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि कम वायुदाब के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि होती है, बढ़ती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन का नियमन निम्न में से किसकी गति से होता है, पत्तियों की सब्सिडियरी कोशिकाएं, स्टोमेटा की गांठ कोशिकाएं, मेसोफिल टिश्यू की कोशिकाएं, या पत्ती की बाह्य त्वचीय कोशिकाएं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि स्टोमेटा की जो गांठ कोशिकाएं हैं उनके द्वारा वाष्पोत्सर्जन का नियमन होता है, यानी कि इसकी गति द्वारा, यानी कि गांठ कोशिकाएं जो स्टोमेटा ओपन करती हैं बंद करती हैं, इनके द्वारा ओपन बंद होते स्टोमेटा, तो इनके द्वारा वाष्पोत्सर्जन का नियमन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का ह्रास तरल के रूप में पौधों से होता है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं,
बाष्पन, बाष्पोत्सर्जन, बंधुस्रावण या इनमें से कोई नहीं। यानी कि जब जल का ह्रास तरल के रूप में, द्रव के रूप में होता है तो क्या कहते हैं उसको, उस क्रिया को? तो उसको कहते हैं बिंदुस्रावण। बिंदुस्रावण में जल का ह्रास पौधे की पत्तियों से तरल के रूप में होता है, यानी कि द्रव के रूप में होता है, तो उस क्रिया को बिंदुस्रावण कहते हैं। हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, बिंदुस्रावण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप वृद्धि में शीर्ष पर खिंचाव बल उत्पन्न होता है, वाष्पन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा या फिर अवशोषण द्वारा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि पादप शरीर में शीर्ष पर खिंचाव बल वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों से जल वाष्प के रूप में जल हानि को कहते हैं, क्या कहते हैं? परासरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या वाष्पोत्सर्जन। यानी कि जो पौधे के वायु भाग होते हैं, यानी कि जो पत्तियां वगैरह होती हैं, उनके द्वारा वाष्प के रूप में जो जल की हानि करती हैं वो, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? उसको परासरण तो कहेंगे नहीं, हो सकता नहीं, हो सकता फर्स्ट ऑप्शन हमारा, श्वसन भी नहीं कहेंगे उसको, प्रकाश संश्लेषण में भी जल वाष्प के रूप में हानि नहीं होती है, हमारा डी ऑप्शन यानी कि प्रकाश संश्लेषण हमारा होगा इसका आंसर। क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें पौधे अपनी वायुवीय भागों द्वारा जल वाष्प के रूप में जल की हानि करते हैं, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वाष्पोत्सर्जन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांड कोशिकाएं पाई जाती हैं स्टोमेटा में, ओवरी में, रूट टिप्स में या लेंटी सेल्स में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो गांड कोशिकाएं होती हैं वो स्टोमेटा में पाई जाती हैं, यानी कि ऑप्शन ए, जो स्टोमेटा होते हैं ना उनमें गांड कोशिकाएं पाई जाती हैं, रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के जमा होने पर वाष्पोत्सर्जन न्यूनतम हो जाता है, ऐसा कौन सा पदार्थ हो है जो जमा हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन न्यूनतम हो जाता है, कम से कम हो जाता है? सेलुलोज, पेक्टिन, यूटेन या म्यूसिलेज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि यूटेन के जमा होने पर वाष्पोत्सर्जन न्यूनतम हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रात्रि के समय क्या अधिक होता है, मूल दाब अधिक होता है, अवशोषण अधिक होता है या वाष्पन अधिक होता है या वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है? तो वाष्पोत्सर्जन तो स्वाभाविक रात को होता ही नहीं उतना ज़्यादा, थोड़ा बहुत किसी किसी पौधे में होता है, सब में नहीं होता, वाष्पोत्सर्जन होगा नहीं, अच्छी वाष्पन भी नहीं होगा, अवशोषण भी नहीं होगा, रात को ज़्यादातर अवशोषण नहीं होता है, बहुत ही कम पौधे हैं जो रात को अवशोषण करते हैं, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि निम्न में से रात्रि के समय मूल दाब अधिक रहता है, मूल दाब अधिक रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म दिन में पौधों में ठंडक होती है, किससे कारण होती है पौधों में ठंडक? पत्ती से, जल वाष्प की हानि से, पौधों में पानी की परिवहन से, जल की हानि से, पूरे पौधे में जल की हानि से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि पत्ती से, जल वाष्प की हानि से गर्म दिनों में भी पौधे में ठंडक रहती है, यानी कि वो पत्तियों द्वारा जल वाष्प पानी निकालती रहती हैं, तो उनके अंदर की जो गर्मी है वो निकलती रहती है, यानी कि वो ठंडक रहती है, पौधे में ठंडक बनी रहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्ड सेल से किसके द्वारा घिरे रहती हैं? गार्ड सेल होते हैं जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं, वह किसके द्वारा घिरे रहती हैं? एपिडर्मल हेयर द्वारा, मेसोफिल कोशिकाओं द्वारा और पैलिसेट कोशिकाओं द्वारा या फिर सब्सिडियरी कोशिकाएं द्वारा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि जो सब्सिडियरी कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा गार्ड सेल से घिरी होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब व
सहतूत की पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा पत्ती की किस सतह पर होते हैं, यानी कि सेब और सहतूत प्रकार की पत्तियां, इस प्रकार की जो इन सेब और सहतूत प्रकार में जो पौधे आते हैं उनकी पत्तियों पर स्टोमेटा किस तरह किस पर पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पर, निचली सतह पर, दोनों सतह पर, या फिर स्टोमेटा का अभाव होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, सेब और सहतूत की पत्तियों पर पाई जाने वाली स्टोमेटा की पत्ती, स्टोमेटा पत्ती की निचली सतह पर पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटैटो टाइप पत्तियों में, पोटैटो टाइप पत्तियों में स्टोमेटा किस सतह पर होता है, पोटैटो टाइप में किस सतह पर होता है, ऊपरी सतह पर, निचली सतह पर, दोनों सतह पर, या स्टोमेटा का अभाव होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि निचली सतह पर पोटैटो टाइप में भी स्टोमेटा होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातरंधों का मुख्य कार्य होता है वाष्पोत्सर्जन, बिंदु स्त्रावण, गैस विनिमय, या ब्लीडिंग। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो वातरंध हैं उनका काम होता है गैस विनिमय का, वातरंधों द्वारा गैस विनिमय होता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गैस विनिमय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन के लिए निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण कारक है, कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है, आर्द्रता, प्रकाश, ताप, या हवा, यानी कि इसके कारण वाष्पोत्सर्जन सबसे महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण कारण कौन सा है। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि जो ताप होता है वह सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वाष्पोत्सर्जन के लिए, वाष्पोत्सर्जन ताप के कारण सबसे महत्वपूर्ण, कि तापमान के द्वारा ही, तापमान जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा, और तापमान जितना कम होगा उतना ही कम वाष्पोत्सर्जन होगा। तो उसका हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, ताप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुगर व साल्ट की हानि के लिए कौन सी क्रिया उत्तरदायी है, वाष्पोत्सर्जन, कटेशन, ये तथा भी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, यानी शुगर व साल्ट की हानि के लिए, शुगर व साल्ट यानी कटेशन होता है ना, जब शुगर व साल्ट दोनों की इनकी हानि हो जाती है, तो उसका हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि गटेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, कैसे बढ़ जाती है, लाइट के अभाव में, सर्दियों में, उच्च ताप पर, या वर्षा में। तो ये हमारा ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता, लाइट के अभाव में वाष्पोत्सर्जन की नहीं बढ़ सकती, यानी कि बिना ताप के, बिना लाइट के वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती नहीं। बी, गर्म सर्दियों में, तो हमारा बी भी नहीं होगा, यानी कि सर्दियों में वाष्पोत्सर्जन की दर नहीं बढ़ती, यानी कि सी, उच्च ताप। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, यानी कि उच्च ताप पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, वर्षा में भी नहीं बढ़ती। तो डी तो होगा नहीं, और ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा सी, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की दर उच्च ताप पर बढ़ जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे की गतिक यानी कि धसे हुए पणरंध्र पाए जाते हैं, कौन से पौधे में धसे हुए पणरंध्र पाए जाते हैं, आम के, अमरूद के, नीरियम के, या हाइड्रला के। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि नीरियम के पौधे में धसे हुए पणरंध्र पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन ससंजन तनाव वाद के प्रतिपादक हैं, यानी कि वाष्पोत्सर्जन ससंजन तनाव वाद किसने दिया था, यानी किनके द्वारा दिया गया था, जेसी बोस द्वारा, गोल्डवस्की द्वारा, या डिक्सन द्वारा, या बाहम द्वारा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि जो डिक्सन थे उनने वाष्पोत्सर्जन ससंजन तनाव वाद के प्रतिपादक थे, डिक्सन, इन्हीं के द्वारा ही किया गया था इनका प्रतिपाद। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनाइल
मर्क्यूरिक एसीटेट क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन दर कम करता है, प्रकाश संश्लेषण को कम करता है, श्वसन क्रिया कम करता है, या पौधों को मृत कर देता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। जो फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है वाष्पोत्सर्जन की दर को ही कम कर देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलानी के समय मृदा में पाई जाने वाली जल की प्रतिशत मात्रा को क्या कहते हैं? यानी कि जब पौधे में मिलानी हो जाती है, तो मिलानी के समय पौधे में पाई जाने वाली जल की प्रतिशत मात्रा क्या कहते हैं? मिलानी यह होती है कि जब पौधे की पत्तियों द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि अधिक हो और जड़ों के द्वारा अवशोषण कम हो, तो उस अवस्था में पौधे की पत्तियां अधिक खर्च कर देंगी जल वाष्प के द्वारा जल को, और नीचे से वो जल उतना अवशोषण नहीं कर पा रही, तो उस अवस्था में पौधे मुरझा जाते हैं। तो उसी अवस्था को मिलानी कहती है। तो उसमें मिलानी में मृदा में पाई जाने वाली जल की प्रतिशत को क्या कहती हैं? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि मिलानी गुणांक कहती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में मिलानी होती है जब जाइलम को ब्लॉक कर दिया जाता है, कैम्बियम को ब्लॉक कर दिया जाता है, फ्लोएम को ब्लॉक कर दिया जाता है, या फिर कुछ जड़ों की संख्या कम हो जाती है। तो मिलानी मैंने आपको बता ही दिया कि जब पौधों की पत्तियों द्वारा अधिक वाष्पोत्सर्जन हो और जल की अवशोषण कम हो जाए जड़ों द्वारा, तो उस अवस्था में पौधे मुरझा जाते हैं, तो उसी को मिलानी कहते हैं। मिलानी भी दो प्रकार की होती है, एक स्थायी मिलानी, एक अस्थायी मिलानी। तो एक इसके द्वारा होती है जब जाइलम को ब्लॉक कर दिया, इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि जब जाइलम को ब्लॉक कर दिया जाता है, जाइलम और फ्लोएम होते हैं ना, जाइलम द्वारा जल का वो होता है परिवहन, ऊपर नीचे से ऊपर जाता है, फ्लोएम द्वारा फूड यानी कि भोजन उनका होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, जब जाइलम को ब्लॉक कर दिया जाता है तो पानी नीचे से ऊपर जाएगा नहीं, पत्तियों में जाएगा नहीं, वो तो पत्तियाँ हानि करने लगी हैं जल की, तो उस अवस्था में पौधे मर जाते हैं। और फिर स्थायी मिलानी में पौधे मर भी जाते हैं, यानी कि जब अरे जाइलम ब्लॉक ही रहता है खुले ना, तो पौधे तो सीधे स्वरूप सीधा सीधा है कि वो तो मर जाएंगे। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि जाइलम को ब्लॉक कर दिया जाता है तो पौधों में मिलानी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, स्थायी मिलानी, क्योंकि मैंने बताया कि स्थायी मिलानी पौधों की मृत्यु भी हो जाती है। स्थायी मिलानी प्रतिशत भूमि जल की वह मात्रा है जिस पर पौधे सामान्य रहता है, पौधे की तीव्र वृद्धि, फर्स्ट ऑप्शन पौधा सामान्य नहीं रह सकता, ये हो नहीं सकता, बी पौधे की तीव्र वृद्धि होती है, ये भी नहीं हो सकता, सी पौधा स्थायी रूप से मर जाता है, तो ए हमारा सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्थाई मिलानी में नहीं, ए हमारा सी सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि स्थाई मिलानी में पौधे स्थाई रूप से मर जाते हैं, हमारा डी नहीं होगा, यानी कि स्थाई रूप से मर जाता है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि जो पौधे स्थाई मिलानी में पौधा स्थाई रूप से मर जाता है और वह मर भी जाता है फिर कुछ समय बाद, तो उसका हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, तो हमारे क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। अब इसके नीचे हमारी है आंसर की, तो आप लोग चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, वरना मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से सारी पीडीएफ ले सकती हैं। पिछली जितनी भी पीडीएफ हैं मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी हैं, और एक पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं, आप प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो हम करते हैं ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही ऐसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। Peace.